मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता ट्विंकल डांगरे मर्डर केस में पुलिस ने सावेर रोड फैक्ट्री में करवाई खुदाई। 2 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी कांग्रेस नेता ट्विंकल डांगरे। एमपी में कैग की रिपोर्ट में शिवराज सरकार पर गड़बड़ी का आरोप। पेज परियोजना में 376 करोड़ की अनियमितता तो वाटर टैक्स में 6,270 करोड़ का हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में 4,000 करोड़ से ज्यादा की धांधली का आरोप। कैग रिपोर्ट में टेंडर में गड़बड़ी की जताई गई आशंका। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम कुंभ का नाम बदलकर पहले की तरह राजिम माघी पुन्नी मेला किया। विधानसभा में वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर संशोधन अधिनियम पास। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर लिखे गए उपन्यास को लेकर चर्चा में रहे अफसर नियाज अहमद का ट्विटर पर छलका दर्द। लिखा, देश में मुस्लिम अफसरों के साथ होता है दोयम दर्जे का व्यवहार। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके के फर्नीचर मार्केट में बीती रात लगी भीषण आग। फर्नीचर की दुकान में लाखों का नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सैकड़ों कछुए के बच्चे बरामद। बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई। यात्रियों की तकलीफ दूर करने के लिए समिति बनाने और कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लौटने का आदेश देने की मांग। जोधपुर के शेरगढ़ में स्वाइन फ्लू से एक और मौत। 2 और मरीज पाए गए पॉजिटिव। इलाके में डेंगू का भी प्रकोप। बिहार के अररिया में मां को डायन बताकर बेटे ने पिलाया मैला। पिता और मां को जिंदा दफनाने की भी कोशिश की। बिहार के गया में अंजना हत्याकांड को पुलिस ने बताया हॉरर किलिंग। पिता ने रची हत्या की साजिश। माँ बाप के साथ दोस्त गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक को बचाने के बजाय तमाशबीन बनी रही भीड़। यूपी के गोंडा में सरेराह महिला को छेड़ने की कोशिश करना मनचले को पड़ा महंगा। महिला ने बीच सड़क पर मनचले की जमकर की पिटाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के डीएम नीरज खेरवार, सितारगंज की एसटीएम निर्मला बिष्ट और पीडब्ल्यूडी के ईई मदन राम आर्य को अवमानना का नोटिस किया जारी। महाराष्ट्र के बीड में गंभीर सूखे का संकट। दूर दूर से पानी लेकर आते हैं ग्रामीण। प्रशासन पर लगाया शिकायत नहीं सुनने का आरोप। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। 2000 लोगों से 3 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। पीएम मोदी से मिले बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे। फिल्म इंडस्ट्री और देश के बारे में हुई चर्चा। करण जौहर, रणबीर सिंह, एकता कपूर समेत कई सितारों ने की मुलाकात। महाराष्ट्र के गोंदिया में खेत में घुसाए तेंदुए के बच्चे की स्थानीय लोगों ने की हत्या। अधमरे तेंदुए के साथ सेल्फी लेकर वीडियो बनाती रही भीड़। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 नए एम्स खोलने को दी मंजूरी। इनमें से 1 जम्मू के सांबा में, दूसरा पुलवामा के अवंतीपुरा में और तीसरा गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। पटना सिटी में आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 3 दिन के 352वें प्रकाशोत्सव की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 12 जनवरी के लिए अल्टीमेटम जारी किया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम आज फिर ले सकता है करवट। लाहौल स्पीति कुल्लू समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। सैलानी लगातार कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में फ्लेक्सी फेयर स्कीम में बदलाव कर रहा है रेलवे। 15 मार्च से लागू होंगे नए नियम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। मैच से पहले आज एससीजी मैदान पर दोनों टीमों ने नेट्स पर जमकर प्रैक्टिस की। सिडनी वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम एक नया प्रोग्राम करने जा रही है। मैदान पर 33 साल पुरानी जर्सी के डिजाइन वाली किट पहनकर उतरेगी कंगन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कॉलेज में पोंगल का सेलिब्रेशन जारी। चेन्नई के एमके जानकी